हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं पपीते की आइसक्रीम। तो इसके लिए ना मैंने फ्रेश कटा हुआ पपीता ले लिया है। आप भी फ्रेश ही पपीता लेना, थोड़ा सा भी ख़राब पपीता मत लेना, इससे फिर आइसक्रीम में ना थोड़ी स्मेल आने लग जाएगी। तो इसके लिए पपीता एकदम फ्रेश ही लेना है हमें। तो ये मैंने पहले से ही काट के रखा हुआ था। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 2 टेबल स्पून चीनी, और चीनी ऐड करने के बाद में मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 गिलास दूध। 1/2 गिलास दूध ऐड करने के बाद में, दूध आप नॉर्मल या फिर चिल्ड कैसा भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूध को ऐड करने के बाद में अब इसको मैं ब्लेंड करूँगी। हैंड ब्लेंडर से यूज कर रही हूँ मैं, हैंड ब्लेंडर का, तो इसलिए मैंने इस लोटे में ही ये डाला हुआ है। आप मिक्सर या किसी और चीज़ में भी कर सकते हैं। तो अब मैं इसको अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूँगी, एकदम स्मूथ इसका पेस्ट बनाऊँगी। बहुत ज़्यादा इसमें बिल्कुल भी कोई भी पपीता नहीं रहना चाहिए। अच्छे से आप लोग भी इसको अच्छे से ब्लेंड करना, और जब तक ये हमारा ब्लेंड हो रहा है तब तक प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी कर देना। और अब ये देखो, अब ये अच्छे से हमारा जो पपीता का जो जूस बना है वो अच्छे से बन चुका है, एकदम स्मूथ सा। जो इसको बहुत ज़्यादा देर तक हम ब्लेंड करना होगा, इसी से हमारी आइसक्रीम ना एकदम मार्केट जैसे बिल्कुल सॉफ्ट टाइप आइसक्रीम बनेगी, वरना तो ऐसे मतलब अजीब सी बनेगी। तो अब ले लिया है मैंने 2 कॉफ़ी मग ले लिए हैं। अब उसमें जो मैंने हमारा पपीता जो ब्लेंड किया हुआ था वो जूस इसमें मैं ऐड कर दूँगी, और ये ऐड करने के बाद में इसमें मैं डालूँगी कुछ ड्राई फ्रूट कटे हुए। आप कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हो, मैंने इसमें सिर्फ काजू और बादाम ऐड किया है। आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हो, जो भी आपको पसंद हो। मैंने इसमें सिर्फ काजू और बादाम ऐड किया है। अब इसके बाद में मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी टूटी फ्रूटी, क्योंकि टूटी फ्रूटी ना पपीते के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो हम चाहे पपीता शेक बनाएं या पपीता आइसक्रीम, टूटी फ्रूटी ऐड करना बिल्कुल मत भूलना, इससे ना बहुत अच्छी बनेगी। अब दोनों कॉफ़ी मग को मैं सिल्वर पेपर से कवर कर दूँगी, और सिल्वर पेपर से कवर करने के बाद में मैं इसमें चाकू से थोड़ा निशान बना लूँगी, क्योंकि हमें इसमें जो आइसक्रीम स्टिक लगानी है वो लगाएंगे, इसलिए हम निशान बना लेंगे। और आप चाहो तो स्टिक मत ना भी लगाओ, ऐसे भी निकल जाती है आइसक्रीम अच्छे से। तो इसके लिए अब मैंने स्टिक लगा ली, क्योंकि मैं पॉप्सिकल टाइप बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने स्टिक लगा ली है। और अब मैं फ्रीज़र में इसको पाँच से छः घंटे के लिए फ्रीज होने के लिए रख दूँगी। 5 से 6 घंटे में ना हमारी आइसक्रीम बिल्कुल जम के रेडी हो जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 5 से 6 घंटे में। और अब देखिए 5 से 6 घंटे हो चुके हैं, और मैंने अपनी आइसक्रीम निकाल ली है, और ये बहुत ही अच्छी जम के रेडी हुई थी, देख रहे हो आप। तो ये बहुत ज़्यादा जम चुकी थी 5 से 6 घंटे में, तो ये आसानी से नहीं निकल रही थी, इसलिए इसको कॉफ़ी मग को थोड़ा सा रब करूँगी, और रब करने के बाद में ये बहुत ही आसानी से निकल चुकी थी। ये देख रहे हो कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है, बहुत ही अच्छी लग रही है, और जितनी अच्छी ये दिखने में लग रही है उतनी ही खाने में भी थी। तो एक बार प्लीज़ ये रेसिपी ट्राई करना, और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे सारे वीडियो जो भी मैं डालती हूँ सब देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।